आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर से सरकारी जमीन वैकेट करने के साथ साथ एक्स पीसीसी के चीफ पीरजादा मोहम्मद सईद से एक कनाल स्टेट लैंड वैकेट करने के साथ साथ इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग के दूरू इलाके से पीडीपी के सीनियर लीडर फारूक इंद्रा भी जो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं उनसे दो कनाल 15 मरले शामलाट लैंड को सरकार ने वैकेट कर लिया है और दूरू में ही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मीर कासिम के ही रिश्तेदारों से 15 कनाल सरकारी जमीन को सरकार ने वैकेट कर लिया। आपको बता दें कि तहसीलदार दूरू ने यह कार्रवाई की है जिसमें फॉर्मर पीडीपी के मिनिस्टर फारूक इंद्राबी और मीर कासिम जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के उनके रिश्तेदारों से 15 कनाल सरकारी जमीन को वैकेट कर लिया। वहीं फारूक इंद्राबी से 2 कनाल और 15 मरले शामलाट लैंड को सरकार ने वैकेट कर लिया है। तहसीलदार दूरू ने यह कार्रवाई स्टार्ट की और इस दूरू में अनंतनाग के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तमाम तहसीलदार ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिनके पास भी सरकारी ज़मीन है उनको वैकेट कर रहे हैं और खासकर इन्फ्लुएंशियल लोगों पर अभी तक निशाना साधा गया है जो ज़्यादातर मंत्री रहे हैं और पॉलिटिकल रिलेशन जिनके हैं उन पर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, जिनसे सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा है वो वैकेट कराया जा रहा है। फॉर्मर जो पीडीपी की बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री थे फारूक इंद्रा भी उनसे 2 कनाल और 15 मरले शामलाट लैंड को वैकेट कर लिया गया है। वहीं अली मोहम्मद सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं उन्हें भी सरकारी जमीन उनसे वैकेट की है और जहां जो स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश किया गया है। साथ साथ पीरजादा मोहम्मद सईद जो एक्स कांग्रेस के चीफ थे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनसे भी 1 कनाल के लगभग सरकारी जमीन को उनसे वैकेट कर लिया है और पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री रहे फारूक इंद्राबी से 2 कनाल और 15 मरले शामलाट लैंड को सरकार ने वैकेट किया है। साथ साथ मीर कासिम जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी 15 कनाल के आसपास अराजी जो है जमीन की वो वैकेट की है सरकार ने। और कूलर चार ओके कीपर को